हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा अलवर के फेमस म्यूजियम का। तो आज हम आए म्यूजियम घूमने के लिए, तो आइए आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, यहां से लेते हैं म्यूजियम के अंदर जाने का टिकट। तो अभी हमने 3 टिकट ले लिए हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस म्यूजियम को 3 पार्टों में रखा गया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं तीनों पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। ये है शतरंज की कांटियां, जो कि राजा महाराजा पहले के जमाने में खेलते थे। तो ये हैं राजा महाराजाओं का सामान है पूरा का पूरा इसके अंदर। तो अभी आगे दिखाते हैं आपको पूरा A to Z बिल्कुल। तो आप देख ही सकते हैं कि पहले के मिस्त्रियों ने पत्थरों पर कितनी सुंदर सुंदर कलाएं की हुई, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई है। तो देखो यहाँ पर, तो ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, अंग्रेजी शासक थे उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। देखो अभी दिखाते हैं हम आपको, पूरा दिखाते हैं इसको। तो इसमें अपने ग्रंथ रखे हुए हैं जो कि उर्दू, जावी, संस्कृत वगैरह, मतलब बहुत सी भाषाओं में लिखे हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये रहे वो ग्रंथ, इनको कांच के अंदर रखा गया है ताकि इन्हें कोई हाथ ना लगा सके। वैसे भी अंदर आने से पहले बोल देते हैं भाई हाथ लगाना अलाउड नहीं है, फिर भी सबको कांच के अंदर पैक किया हुआ है। इसमें देखो चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो इसमें अपने अलवर की भी तस्वीरें लगाई हुई हैं, सीली सेठ झील वगैरह सबकी तस्वीरें हैं, अपने अलवर स्टेशन की भी हैं, नीचे लगा रखी हैं सारी तस्वीरें। तो यहाँ पर लगाई हुई हैं तस्वीरें, अपने अलवर की भी लगा रखी हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ रखा हुआ है इनको।
तो ये इसका तीसरा पार्ट है जिसके अंदर राजा महाराजा के हथियार रखे हुए हैं, तो सैनिकों की पोशाकें, सैनिकों के कवच, सब चीज़ रखी हुई है इसके अंदर। अभी आपको दिखाते हैं बिल्कुल क्रमानुसार, मतलब कि लाइन से दिखाते हैं आपको अभी। तो युद्ध के समय जो काम आते हैं ये वो मुकुट है सैनिकों के, ये रहे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। ऊपर त्रिशूल वगैरह लगा रखे हैं, पूरे हथियार लगा रखे हैं, ये देखो कम से कम 6 फीट की बंदूक है। तो इसके अंदर ये तलवारें फ्रेम में पैक की हुई हैं, और यहाँ पर अकबर और जहांगीर की तलवार भी है, अभी दिखाते हैं आपको। ये रही राजा महाराजाओं की तलवारें, और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे बंदूकें, सब चीज़ दिखाते हैं आपको। ये रहे राजा महाराजाओं के हथियार। तो ये थे राजा महाराजाओं के भाले, तलवार, कवच वगैरह, त्रिशूल वगैरह, सब चीज़ें यहाँ पर। तो ये रही और भी तलवारें हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये दो तलवारें हैं ये हैं अकबर और जहांगीर की। इसमें जो लेफ्ट साइड की तलवार है ये तो अकबर की है, और राइट साइड की है जो ये जहांगीर की है। तो देखो यहाँ पर जो अकबर और जहांगीर की तलवार है उनको सबसे अलग रखा हुआ है, अलग ही फ्रेम में पैक है ये। तो और भी राजा महाराजाओं की तलवारें हैं यहाँ पर, सबको लगा रखा है भाई। तो ये सैनिक की पोशाक है। देखो पूरी दीवार को बिल्कुल सजा रखा है, त्रिशूल और तलवार वगैरह सब टहा रखी हैं। ये देख सकते हैं आप पहले के ज़माने की बंदूकें, और इसके ऊपर ही तलवार लग रखी हैं। आगे राजा का सिंहासन है, इस पे हाथ लगाना, छूना, बैठना सब मना है। तो ये देखो यहाँ पर ये बंदूकें हैं। ये देखो कितनी सारी बंदूकें हैं यहाँ पर, बहुत ही प्राचीन प्राचीन बंदूकें रखी हुई हैं, जो कि आज के जमाने में देखने को भी नहीं मिलती। और भी बहुत सारी बंदूकें रखी हुई हैं यहाँ पर, आइए सबको दिखाते हैं आपको। To show the world.